ओ भाई भाई, जिसका इंजन नीचे तो हो रहा है सीधा, सब तो भाई इंजन चच हो रहा है इसका तो। एक तकड़ी चीज दिखाऊं अभी आपको। अब यार कार्तिक ने देखो यहाँ पे क्या लिखा है भाई, 10 तारीख के दिन में ना यहाँ पे लिख दिया मुझे, इस दिन वो है ना पतंग उड़ाने वाला दिन। तो गाइस आज अपन लगाने वाले शोल्डर वर्कआउट, कल भाई साहब लगाई थी एंड आज शोल्डर वाली है, एक्सरसाइज लगा भी चुका हूँ एक दो स्टेप, बाकी अभी लग रहा हूँ बाकी में, भाई पूरा पसीना हो गया। भाई जितनी तेज गर्मी हो रखी है ना भाई, गाड़ी पूरी गर्म हो चुकी है अंदर से। अभी इसको ना पीछे वाले प्लॉट के अंदर खड़ी करके आ रहा हूँ, ऐसे तो कैमरा लगा हुआ बट क्या है आदत है भाई पीछे वाले कांच में देखने की, ऐसे ऐसे देखने की। देखो भाई ये देखो, आज तो हेलीकॉप्टर घूम रहा है इतनी धूप के अंदर भाई, ऐसे घूमता ही है बहुत कम जगह। अभी देखो छांव आ गई ना, जैसे धूप के अंदर मुंह होगा घूमने लग जाएगा। ये धूप गई, ये स्टार्ट होने वाला है, मतलब ऐसे घुमा के थोड़ा, बाकी अभी स्टार्ट हो चुका है एकदम। देखो छाँव के अंदर लेते हैं, अपने आप बंद हो जाएगा। ये देखो ये छाँव आई बंद, बाकी किसको देखता हूँ गाइस, मैं सोच रहा हूँ पास से डाल दूँ अंदर या फिर यहाँ पे खड़ी कर देता हूँ, रवि और आएंगे तब देखेंगे। गाइस अपने पास ना आज एक अलग चीज आई है यार, एक तो ना अपने ये भीग गए क्या, इनको मैं सोच रहा हूँ थोड़ी देर ना धूप में रखूंगा ताकि भीगते भीगते ही ना अंकुरित हो जाएंगे अपने आप ही। ये देखो आज इन दोनों में से ना एक तरबूज खाने वाला हूँ, अपने पास दो तरबूज आ चुके हैं दोनों भाई अपने लिए, काटते हैं पहले छोटे वाला बिकॉज फिर खाना भी खाना है ना, गैस करें रेड निकलेगा या फिर वाइट ही निकलेगा, इसको कटिंग करके देखते हैं भाई, रेड निकलेगा तो मजे है भाई। गाइस पोपट हो गया, रेड तो नहीं निकला, वाइट रेड मिक्स है बट मीठा होना चाहिए। बिल्कुल मीठा नहीं है, मीठा तो बिल्कुल भी नहीं है, ये तो नहीं खाऊंगा। अब सेकंड वाले को काट ही लेते हैं यार, सब एक का पोपट हो गया तो मेरे को खाना है कैसे भी करके, अभी तरबूज से लास्ट और चेक करते हैं। ये तो एकदम वाइट पड़ा यार, उससे अच्छा तो वही थोड़ा कलरफुल है, ये तो एकदम वाइट पड़ा है, ब्लैक एंड वाइट, पूरा मूड खराब हो गया। इतनी गर्मी है ना भाई सड़क पे, तो वो तो घर में बैठा हूँ ना तो इतनी लगती नहीं है, अभी ये काम जाना है भाई, मुंह पे ना बांध के दिख रहा हूँ यार, सीधी अंदर से गर्मी तो आ रही है घुस के भाई। इसमें हेलमेट चाहिए मेरे को यार, सही हेलमेट लेके आना पड़ेगा, अभी वो टूटा वैसा काम नहीं चलेगा, बहुत तेज गर्मी है भाई, इतनी बारिश आई इतना कुछ हुआ ना, कुछ बेनिफिट नहीं है, गर्मी वैसी की वैसी भाई तेज। जब ना रोमियो के लिए एक न्यू कूलर भी आ चुका है भाई, इसके अंदर ना मोटर मैंने अभी चेक किया गाइस खोल के, वही मोटर है जो छोटी वाली थी ना भाई, सेम की सेम ही, इतने बड़े कूलर के अंदर भी भाई एंड उस छोटे वाले के अंदर भाई, यहाँ पे लगाऊंगा तो कभी नहीं पहुंच पाएगा यहाँ पे, तो कितना भी लंबा हो जाए बट पैर के ना मार के तोड़ नहीं सकता इसको। अपने लिए वाइस कूलर है नहीं, भूमि के लिए कूलर लगेगा, पर जब भी मैं फ्री हूँ ना गर्मी लगेगी ना, इसके आगे जाके मैं बैठ जाऊंगा। गाइस फाइनली चल गया, क्या इतनी बड़ी हवा दे रहा है ना एकदम यार, माइंड ब्लोइंग हवा, बस तो ना बस सबसे खुशी की बात है इसकी मोटर भी चल रही है पानी वाली, इसकी वजह से ना फुल ठंडी हवा दे रहा है, मैं तो यहीं पे बैठने वाला हूँ यार, खुशी यहाँ पे लगाऊंगा, बाकी रोमियो के बिना हवा एकदम फुल जा रही है उधर। गाइस आज एक ना MAT हो रही है यार अपने यहाँ पे, और पंचर है यार पीछे वाला टायर है ना इसका, ये स्टार्ट मुश्किल से होने वाली है। अंदर डाल रहा हूँ फिलहाल, वो अभी कल ले लेके जाएंगे, मेरे को वैसे भी लेट हो रही है अभी। ओ भाई भाई, जिसका तो इंजन नीचे टच हो रहा है सीधा, सब तो ही है भाई, इंजन टच हो रहा है भाई इसका, तो बाहर खोलना ही पड़ेगा तब जाके अंदर जाएगी, खुल जाओ वो इसको एक बार
क्या ही स्कूटी यार, इतनी नीचे कौन देता है। यहाँ से डालने की ट्राई करता हूँ, क्या पता डल जाए। साइकिल जितनी हल्की उठा के डाल दी। अपने लिए ना अभी पतंगे वगैरह सारा कुछ साथ में। और ये भी देखो, काली सहारी और मेरी। ये तो, ये तो अपनी है, वो मामा जी अपने को और देंगे, वो है क्या? हाँ, इसमें से 40 हमारी है और इसमें 50 हमारी है। 40 है इसमें से, और ये इसमें से 40 मेरी भी। पापा का है, मेरा है। पापा वाला कौन सा? तो हमारा भी है भाई। साइड में देख, कांच वाली लटा रही है यार। गजब यार, इतनी सारी लटारियां लगाई। तेरे को पता है फूल प्यारी होने लगे। फूल अभी मेरी मंजे की लटारी कौन सी है? देखा, वो तेरी है क्या? तेरी है, तेरी ब्लू वाली तेरी है। मैं पापा को आते ही कहूंगा। अच्छा, ये पुरानी वाली है, थोड़ा सा दे देंगे इसमें से। हम दोनों की है। हाँ, तो तभी तो कह रहे हैं थोड़ा सा तेरे को दे देंगे, बाकी हम ले लेंगे। खोल मत तो। अच्छा, पापा नहीं डालेंगे ना? था वो आज ही तो डालेंगे, परसों है, कल रात को डालेंगे। कल गाइस रात को लग जाएंगे एंड सुबह भी ना भाई उजाला होने से पहले ना अपन उड़ाना स्टार्ट करेंगे। आगे अभी अनबॉक्सिंग हो रहे हैं इस पतंग की। अनबॉक्सिंग ये सारी पल्ली वाली जिसे कुंज की है ना? नहीं, तो कनाडा वाली हमारी। कनाडा वाली कौन सी? ये वाली। ये अच्छा, कागज वाली भी कुंज की? येलो वाले हमारे भी थे मेरे। ये रहा इसके अंदर देख, ये रहा येलो। कुछ नहीं है भाई तेरा, ब्लैक येलो हमारी है सारे। और कुंज के पास में कितनी ये ना रोज फटता है, उड़ता है तब। तो वो उड़ा पन्नी वाले, वो नहीं फटेंगे भाई। अब क्या अलग हो लेके आए हैं? देखो पिछले आज ना इसे लेके आते चौरस बटम के अंदर हमने चेंज किए। बाकी अपने पतंग सारा रेडी है, पर शाम को लगेंगे कन्या वगैरह इसके अंदर ना धागे वगैरह डालने होते हैं, उसे हम कन्या कहते हैं, वो डालने पड़ेंगे। एंड परसों सुबह सुबह ना उजाला होने से पहले उड़ाने लगेंगे। गाइस अभी कंप्लीट करते हैं यार खाना। आज तो ना दूध रोटी खा रहा हूँ यार, हमेशा दूध ना बाद में पीता हूँ, आज तो ना खाने के अंदर दूध। बिकॉज ना आलू की सब्जी बनी भाई, सुबह भी आलू की सब्जी खाई थी, आज थोड़ा मन नहीं आलू सब्जी खाने का। कभी कभी होता है यार, वैसे खाता हूँ रोज हूँ, बट आज मन नहीं है। तो आज गाइस दूध रोटी खाने, वो भी हाथ से यार, अलग ही टेस्ट आया यार। गाइस कुंज की ना लटाई थोड़ी सी खराब हो रखी थी, अभी इसको सही कर रहा कार्तिक। ओ इसके ना बूंद नीचे गिरी, वो ध्यान रखना एकदम टाइट लग गई है ना, नहीं तो बूंद की वजह से और ज्यादा खराब हो जाएगी। नहीं तो एक साइड कर देना, उसे अच्छा रहेगा। एयर टाइट से गाइस इसको चिपका रहा है साइड से ना, यहाँ पे तो पॉलिश कर देगा। कर दी दिख दी, वो एक साइड चमक रही है ना, दूसरी साइड नहीं चमक रही, दोनों साइड करेगा ऐसी। गाइस अभी ना फाइनली ऊपर आ चुके हैं एंड फिलहाल गाइस आज का व्लॉग एंड करता हूं। उम्मीद करते हैं आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा, पसंद आया लाइक कर देना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।